नमस्कार एवरीवन, क्लासेस 24x7 में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी की। 9th क्लास की एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी ही क्यों? एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर जितना भी मैटर दिया गया है वो उतना ही मैटर है जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। और बहुत सारे पब्लिकेशंस और भी हैं जिनकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ होता है जो जो स्टूडेंट्स हैं वो कवर नहीं कर पाते, उनके लैंग्वेज भी टफ होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी ही पढ़ें, बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर की, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, और इस चैप्टर के अंदर भी हम आज किन किन टॉपिक्स का जिक्र करेंगे या क्या क्या टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे पढ़ेंगे, वो सबसे पहला उसमें है कि पहले जानेंगे हम मैटर होता क्या है, ये किन किन स्टेट्स में पाया जाता है ये बात करेंगे। फिर वो जो स्टेट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में जानेंगे हम, क्या होती हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग इन द सराउंडिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मतलब सबसे पहले बात करेंगे कि हम सराउंडिंग क्या है। चलो इसे समझते हैं डेफिनेशन को। सबसे पहले बात करेंगे हम सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग वो हर चीज है जिससे हम घिरे हुए हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लैपटॉप है मेरे सामने है, मोबाइल है, ये रूम है, रूम की दीवारें हैं, ये सब चीजें क्या हैं? ये मेरे लिए किसका काम करेंगी? सराउंडिंग का काम करेंगी। यहाँ तक ही नहीं, यूनिवर्स तक, हम यूनिवर्स तक बात कर सकते हैं। यूनिवर्स तक जितनी भी चीजों से हम घिरे हुए हैं वो हमारे लिए किसका काम करेगी? सराउंडिंग का काम करेंगी। और इन सराउंडिंग में जो जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए होंगे, ठीक है। उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है, साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है? मैटर। तो आई होप समझ में आया होगा कि मैटर होता क्या है। अब बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसका खुद का कुछ मास होना चाहिए और दूसरा उसका खुद का कुछ, वो क्या होता है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है, तो उसका उसकी कुछ यूनिट भी होगी जिसमें हम उसे मेजर कर सकें। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होती है? केजी, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, किलोग्राम में हम मास को मेजर करते हैं। या अगर वॉल्यूम, अगर उसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो उसका जो वॉल्यूम है, कितना स्पेस वो कवर कर रही है, उसको हम कैसे नापेंगे? वॉल्यूम उसका कैसे मेजर करेंगे? उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब। चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा रहता है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। कितने छोटे पार्टिकल्स? इतने कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जब हम कुछ टेस्टिंग वगैरह करते हैं वहां पे देखते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना हुआ होता है। कितने? बहुत टिनी, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, वेरी टिनी, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो वो लगातार, वो पार्टिकल्स क्या, लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं। और क्या करते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। और वो पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को
अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने पास। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किन किन स्टेट्स में हमारा मैटर पाया जाता है। तीन स्टेट्स होती हैं मैटर की, एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप एनवायरनमेंट में कोई भी मैटर की बात करते हैं, कोई भी मैटर की बात करते हैं, वो इन तीन स्टेट में ही मिलेगा, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कहोगे आपकी आटा हम करते हैं, आटे में पानी मिलाते हैं फिर कोई लई सी बन जाती है कुछ, वो क्या है? तो वो सब चीज़ जो हैं वो बीच की कंडीशंस हैं, तो वो कन्फ्यूजिंग स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो तीन ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बस सॉलिड जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड के क्या होता है, अपना कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, फिक्स्ड शेप रहती है, उसे कहीं भी रख लो वो वैसा ही रहेगा, किसी भी बर्तन में उसको डाल दो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, शेप वैसी की वैसी रहेगी, वॉल्यूम भी उतने का उतना ही रहेगा। वो अलग बात है कि हम ज्यादा फोर्स लगाएं वो ब्रेक हो जाए तो वॉल्यूम उसका चेंज हो जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाए, तो वो एक अलग बात है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम और नो स्पेस। तो जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप्स बहुत कम रहता है या फिर होता ही नहीं है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत क्लोज क्लोज हैं, बहुत क्लोज क्लोज हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स जितने पास पास होंगे वो जो मैटर है वो उतना ही ज़्यादा सॉलिड होगा, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, और दूसरा उसके बाद क्या है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बिटवीन द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। देखो एक तो पास पास है, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता ही है, जिस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसीलिए एक दूसरे से चिपके हुए हैं, नहीं तो ये दूर दूर होते हैं। फिर एक बात करते हैं आपको, लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर फोर्स लगाएंगे तो ये दबेंगे नहीं, इनकी डायमेंशन में कोई खास चेंज नहीं आएगा या फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल सटे हुए, आप दबाओगे बीच में इनके पार्टिकल्स के स्पेस ही नहीं है, ये कहाँ कंप्रेस होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, या फिर बहुत माइनर से होंगे। ठीक है, फिर एक होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज लीस्ट, मतलब अगर हम इसको किसी चीज में मिक्स करें तो क्या होगा, बहुत ये या तो मिक्स होगा ही नहीं, अगर होंगे तो कुछ जैसे बहुत कम मिक्स होती हैं, बहुत सॉलिड क्या होते हैं, बहुत कम मिक्स होते हैं या बहुत देर में होते हैं। क्या होता है इंटरमिक्सिंग, क्या होता है आपका डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स इन स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स नोन एज डिफ्यूजन। मतलब ये जो मिक्सिंग होगी कैसे होगी, अगर हम किसी दूसरे मैटर को इसमें मिलाएंगे तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा इसी में तो मिक्स होंगे जाके, तभी तो मिक्स होंगे, तभी तो पार्टिकल दोनों के मिक्स होंगे। अब हम नींबू पानी मिला बनाने लगे तो पहले आप क्या करोगे, अगर पानी में हम नींबू मिलाते हैं तो क्या होता है, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप्स हैं उनमें जाके आपका नींबू का रस मिक्स हो जाएगा, ऐसे तो मिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो मिक्स कैसे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं या तो इसके बीच में, या तो ये मिक्स होते ही नहीं है, अगर होते हैं जैसे चीनी वगैरह है घुल जाती है पानी के अंदर, मिक्स हो भी जाती है लेकिन दूसरे मैटर के साथ, लेकिन बहुत कम ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं रहती, पानी को अगर आप कप में डालोगे कप की शेप ले लेगी, किसी और बर्तन में डालोगे उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, तो उसका शेप फिक्स नहीं रहती है बट वॉल्यूम फिक्स रहता है।
वॉल्यूम उतने का उतना ही रहेगा भाई, पानी जितना है उतना ही रहेगा ना, चाहे किसी भी बर्तन में डाल दो, बेशक शेप चेंज हो जाए लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो तो वही उतने का उतना ही रहेगा ना। दूसरा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड्स, उसमें क्या था, पार्टिकल्स बहुत सटे, बहुत पास पास थे, लेकिन यहाँ क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप है, और अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो इनके बीच, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, इसीलिए तो ये दूर दूर हैं। अगर इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो ये पार्टिकल्स क्या होते, पास पास होते। फिर क्या है, लेस्ट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सके। ठीक है, कंप्रेस मतलब अगर हम फोर्स लगाएं तो इनकी शेप जो है, ये पानी जो है दब जाए भाई, एक कंडीशन तक तो अगर हम पानी को दबाएंगे तो दबेगा, लेकिन जहां भी उसको ज्यादा दबाया जाएगा या ज्यादा कंप्रेस किया जाएगा तो जहां से भी उसको स्पेस मिलेगा वहां से वो पानी बाहर आ जाएगा, ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, मतलब सॉलिड से ज्यादा इसमें मिक्स कर सकते हैं किसी चीज के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, इसका ना तो कोई शेप होती है ना कोई वॉल्यूम होती है, जिस भी चीज में अगर एनवायरनमेंट में गैस छोड़ोगे तो एनवायरनमेंट में ही मिक्स हो जाएगी, ना इसका मतलब एनवायरनमेंट का वॉल्यूम ही गेन कर लेगा, इस कमरे में गैस छोड़ दो तो कमरे का वॉल्यूम गेन कर लेगा गैस, तो इसीलिए कम जो है उसका कोई भी निश्चित जो है शेप नहीं होती और ना ही उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक होता है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे होंगे इनके पार्टिकल्स कितनी दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, जहां भी आप इसको छोड़ोगे पार्टिकल्स एकदम से मूव करने लगेंगे, दूर दूर और दूर दूर फैल जाएंगे, जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा उतने दूर दूर इनके पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। ठीक है, एक हाईली कंप्रेसिबल, कितना भी कंप्रेस कर लो इनको कंप्रेस हो जाते हैं, इस सिलेंडर में हम गैस भरते हैं बहुत कंप्रेस करके तो भरते हैं, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम अगर जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा अगर एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएगी। हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन, कितना भी आप इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज में मिक्स हो जाएगी, हवा में मिक्स हो जाएगी, यहाँ पे छोड़ दोगे यहाँ मिक्स हो जाएगी, पानी के अंदर मिक्स मिलाओगे गैसेस वहां मिक्स हो जाएंगी, कहीं भी मिक्स हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये जो भी मैंने पढ़ाया है, और आगे हम बात करते रहेंगे आगे की क्लासेस में। अगर आपको चैनल जो वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, जो आपको आगे भी जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, ताकि आगे हम जो वीडियो बनाए वो उसको इम्प्रूव कर सकें, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।